अरे ओ क्यों, क्या हो गया? जीनी, मैं किसी गलत काम के लिए नहीं झुकता, जो करना है कर ले। दोनों ना कान खोल के मेरी एक बात सुन लो, अगर तुम दोनों में से धोनी के किसी ने भी ट्वाइस के हाथ लगाया ना, तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। समझ में आ रही है जीनी बात? समझ में आ रही है आपको मेरी बात? बहुत हो गया। तुझे पता है पापा तेरे बारे में क्या क्या कह रहे थे? क्या? मैं बताती हूँ। अरे चुप कर। अरे मैं बस धोनी यही कह रहा था। मेरा बर्थडे हर महीना आता रहे और मुझे इतने सारे गिफ्ट मिले। दीदी आप भी मेरे साथ खेलो। मुझे नहीं खेलना तेरे साथ। वनी, तेरे को इतने सारे गिफ्ट मिले और तूने मेरे को एक भी शेयर नहीं किया। जब मेरा बर्थडे था तो मैंने तेरे को अपने सारे गिफ्ट शेयर करे थे। दीदी, मैंने आपको अपने गिफ्ट में से चॉकलेट बॉक्स भी दिया था ना? वो तो अपने पास रख ले। और अगर वनी तो मेरी प्यारी बहन है ना, तो मेरे को ये वाली वॉच दे दे। ये वॉच तो मैं आपको दे नहीं पाऊंगी, पर आप एक काम करो, मेरी एक ड्रेस ले लो। ओ छुटकी, तेरी ड्रेस मुझे कैसे आएगी? हाँ वो तो है, पर वो आपकी प्रॉब्लम है। A few moments later. जिनी, ध्वनि कहाँ है? मम्मी खेल रही होगी अपने टॉय के साथ, मुझे तो अपने फ्रेंड्स के साथ चैट करने दो। अच्छा ठीक है। आपको बच्चों की टेंशन है या नहीं है? हमेशा अपने कामों में लगे रहते हो। क्या हो गया? आपको पता है मेरी एक फ्रेंड की बेटी को ना ऑनलाइन गेमिंग पर कोई मिला और वो उससे रोज सोशल मीडिया के थ्रू बातें करने लग गई और उसने पता है अपनी पर्सनल फोटोज भी उसको शेयर कर दी। अब वो उसे ना रोज फोटो शेयर करने के लिए बोल रहा है। मेरी फ्रेंड को साइबर क्राइम सेल में जाके कंप्लेंट रजिस्टर करानी पड़ी है। इसने ये सेक्सटॉर्शन कहते हैं और ये ज्यादातर ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया और मैसेजिंग ऐप से शुरू होता है और इसीलिए मैंने इनके मोबाइल पर फेमिसेफ ऐप इंस्टॉल किया हुआ है। ये क्या है? ये एक पेरेंटल कंट्रोल ऐप है। इससे हम बच्चों का स्क्रीन टाइम कंट्रोल कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि उन्होंने किस मोबाइल ऐप पर कितना टाइम स्पेंड किया है। सच में? हाँ ईशना, और इतना ही नहीं, बच्चे मोबाइल पर कौन कौन सी ऐप ज्यादा यूज करते हैं या किस ऐप को इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करते हैं वो भी पता चल जाता है। हाँ, अगर लेकिन बच्चे कुछ उल्टा सीधा देख रहे हो मोबाइल पर तो? इशना, जब भी बच्चों के मोबाइल पर कुछ ऑफेंसिव कंटेंट आता है तो हमारे पास अलर्ट आ जाएगा, अलर्ट, और हम फैमिली सेफ की मदद से उस ऐप को ब्लॉक कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, हम फैमिली सेफ की हेल्प से ऐप के टाइम लिमिट को भी सेट कर सकते हैं ताकि वो कोई भी पर्टिकुलर ऐप के टाइम लिमिट से ज्यादा देख ना सके। फैमिली सेफ 10 से ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे सस्पिशियस फोटो और टेक्स्ट को डिटेक्ट करता है। वाह, ये तो सही है। हाँ ईशना, हाँ, और फैमिली सेफ से हम बच्चों की रियल टाइम लोकेशन भी ट्रैक कर सकते हैं और पता कर सकते हैं कि बच्चे कहाँ कहाँ गए थे। चलो अब मैं निश्चिंत हुई कि मेरे बच्चे मोबाइल पर सेफ हैं। और फ्रेंड्स, आप भी फैमिली सेफ ऐप का फ्री ट्रायल डाउनलोड कर सकते हैं, हमने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आप भी स्टॉप सेक्सटॉर्शन विद फैमिली सपोर्ट कैंपेन ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो टेक देयर क्विज टू विन द गिव अवे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। One hour later.
इस घर में पूरी लड़की ने टॉयज ही टॉयज खिला रखे हैं। एशना, 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 क्या हो गया? क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों, क्या हो गया? एशना पूरा घर फैला रखा है टॉयज ही टॉयज से। कहाँ बैठूं मैं? आप भी ना बच्चों की तरह बातें करते हो। क्या हो गया? टॉयज ही टॉयज फैला रखे हैं बच्चों ने। अगर बच्चों के पास है तो फैलाएंगे ही ना। थोड़ा साइड करो और बैठ जाओ। अरे वाह, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट निकली, ये तो मुझे पता ही नहीं था। नहीं पता था ना? बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ? एक काम करो, बैठ तो पहले ही गए थे मेरे आने से पहले, अब लेट भी जाओ। मैंने खुश इसमें को मैं क्या सोच रहा हूँ, धोनी के थोड़े से गिफ्ट में किसी को दे देते हैं, थोड़ी में थोड़ी जगह भी बन जाएगी। अरे धीरे बोलो धीरे, अगर धोनी ने सुन लिया ना पूरा घर सर पे उठा लेगी। ध्वनि ने सुना नहीं सुना, मैंने तो सुन लिया। क्या मतलब? मतलब साफ है पापा, अपना मुंह बंद रखने की कीमत चाहिए मुझे। क्या कीमत? बेटा इसे ब्लैकमेल करना कहते हैं, ब्लैकमेल। अब आप इसे जो भी समझो। जीनी मैं किसी गलत काम के लिए नहीं झुकता, जो करना है कर ले। ठीक है चलो, अब मैं जाती हूँ ध्वनि के पास। अरे रुक रुक रुक। अरे जीनी तूने तो सीरियसली ले लिया, तू क्या अपने पापा का मजाक भी नहीं समझती? बता तुझे क्या चाहिए? मुझे बस ध्वनि की वॉच चाहिए, बस इतनी सी बात। अरे कोई बात नहीं, जब मैं ध्वनि से बात करूंगा। तुम दोनों ना कान खोल के मेरी एक बात सुन लो, अगर तुम दोनों में से ध्वनि के किसी ने भी टॉयज के हाथ लगाया ना तो मुझसे बुरा कोई होगा नहीं। समझ में आ रही है जीनी बात? समझ में आ रही है आपको मेरी बात? बहुत हो गया। तो चलो पापा। कहाँ? ध्वनि के वॉच मुझे दिलवाने हैं। अरे चलेंगे चलेंगे, लेकिन थोड़ी बाद में जाएंगे। मुझे नहीं पता मेरा ये जो मुंह है ना ये कितनी देर तक बंद रहेगा। क्या पता ध्वनि के साथ खेलते खेलते टीवी देखते देखते मेरे मुंह से वो बात निकल गई, तो आप ध्वनि को कैसे संभालोगे? इट्स योर प्रॉब्लम। क्या? ये जिस दिन कबीरा का फोन आना शुरू हुआ है ना, तब से मेरे बच्चे ब्लैकमेल करने में परफेक्ट हो गए हैं, परफेक्ट। यू नो ये हमारे टैलेंट। टैलेंट? निकालू तेरा टैलेंट, चल भाग यहां से। बॉक्सिंग करने के लिए तो आप चाहिए हो, और जब ये अपना खेल रही है और अपने बॉक्सेस बना रही है तब आप नहीं चाहिए हो। थोड़ा ना शांत रहे, शांत रहे, मैं इसको समझाता हूँ अपने तरीके से। ध्वनि बेटा। हाँ मेरे प्यारे पापा, बोलो। ध्वनि बेटा आपके पास इतने सारे गिफ्ट्स हैं, इन सब का आप क्या करोगे? थोड़े से गिफ्ट जीनी दीदी के साथ भी शेयर कर लो। पापा एक बार ये सारे गिफ्ट मैं अच्छे से खोल लूं और अच्छे से खेल लूं उनके साथ, फिर मैं जब थोड़े से टूट फूट जाएंगे तब मैं दीदी को दे दूंगी। बड़ी की बच्ची तुझे क्या लगता है मैं तेरे पुराने टूटे फूटे टॉयज से खेलूंगी? मैं ना तेरे टूटे फूटे टॉयज से नहीं खेलूंगी। दीदी जब आपकी ड्रेसेस छोटी हो जाती है मैं भी तो आपकी ड्रेसेस पहनती हूँ ना। ये भी सही है। ध्वनि तुझे पता है पापा तेरे बारे में क्या क्या कह रहे थे? क्या? रुक 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 मैं बताती हूँ। अरे चुप कर चुप कर। अरे मैं बस ध्वनि यही कह रहा था कि तू मेरी प्रिंसेस है, मेरी परी है, तू चल यहाँ से। अरे थोड़ा चुप रहा कर, चुप रहा, धीरे बोला कर, अगर उसने सुन लिया ना प्रॉब्लम बन जाएगी, और मैं जुगाड़ कैसे करूंगा, जुगाड़। ठीक है पर जल्दी करना, और अगर मेरी जुबान। अरे हाँ हाँ मुझे पता है तेरी जुबान बहुत लंबी है, अब जरा यहाँ से जा, मुझे कुछ जुगाड़ के लिए सोचने दे। ठीक है करना पड़ेगा आपको जुगाड़। तेरी वॉच भी नहीं दिख रही।
मनी कैसी बात कर रहे हो बेटा, घर में से गिफ्ट कौन चुरा के ले जाएगा? मम्मा इसका मतलब चोर घर में से ही हुई है। क्या मतलब? मम्मी जिंदगी की मेरे को सेना जाती थी ना, तो वो उनका ही काम होगा। आने दे मैं बताती हूँ इसको, चल। अरे ध्वनि क्या हुआ? कोई बात नहीं, मम्मा मेरे खाब आएंगे। आने दे उस जिन्नी की बच्ची को, तो मैं बताऊंगी आज अच्छे से ना। चुप हो जा। अरे जिन्नी आज तो मजा आ गया, मजा। अरे बाबा मजा नहीं आया, आप हमेशा जीत जाते हो। अरे जीतूंगा तो हुई ना, सानिया मिर्जा के साथ खेलता हूँ, सानिया मिर्जा के साथ। सानिया मिर्जा ना बैडमिंटन प्लेयर नहीं है, वो टेनिस प्लेयर है। अरे टेनिस तो उसने अब खेलना सीखा है, पहले तो हम दोनों बैडमिंटन ही खेलते थे। पापा इतना फेंको कि मैं उसको लपेटूं। अरे वो तो थोड़ा बैठते हैं। आप दोनों की बकवास अगर बंद हो गई हो तो मैं कुछ बोलूं? हाँ हमारी बकवास तो हो गई है पूरी, अब तुम अपनी बकवास चालू करो। जिनी तुमने ध्वनि के गिफ्ट चुराए हैं? क्या मैं क्यों चुराऊंगी इसके गिफ्ट? क्योंकि आपकी नजर बहुत दिन से मेरी वॉच पे थी और आपने कहा था मुझे कि आप लेके ही रहोगी। मम्मी मैं कैसे चुरा सकती हूँ, मैं तो पापा के साथ में बैडमिंटन खेल रही थी। हाँ ये बात तो सही कह रहे, मेरे साथ में बैडमिंटन खेल रही थी, लेकिन अगर बैडमिंटन खेलने से पहले इसमें चुराई हो तो मुझे नहीं पता। मैंने नहीं चुराई। अरे अरे पापा आप क्या बोल रहे हो, और ध्वनि आई प्रॉमिस मैंने तेरे गिफ्ट नहीं चुराए। अगर ध्वनि मैंने चुराए भी होते तो कहाँ छुपाऊंगी, घर में ही तो छुपाऊंगी ना कहीं पे। अगर आप लोग चाहो ना तो मेरी वार्डरोब भी चेक कर सकते हो। जिनी ये बात तो सही कह रही है, लेकिन जिनी तू है बड़ी टैलेंटेड, क्या पता तूने गिफ्ट अपने फ्रेंड के यहाँ पर छुपा दिया हो। आप ही अपनी बकवास करना बंद करोगे, और जिन्हें तू सच सच बता तूने गिफ्ट चुराए हैं ना। जान ना पहचान, मैं तेरा मेहमान। अरे मम्मी आप चाहो तो मेरी वार्डरोब चेक कर लो। चल मनी एक काम करते हैं, इसकी वार्डरोब चेक कर कर ही आते हैं। चल देख इसकी क्लोथ्स। यहाँ तो कुछ भी नहीं है ध्वनि। चल अब हो गया यकीन, नहीं मिला ना कुछ मेरे रूम में? सही में वार्डरोब में तो कुछ भी नहीं मिला, पर ये चोरी कौन कर सकता है? इसका मतलब कोई घर के बाहर से आया और गिफ्ट चोरी करके चला गया। क्या फ्रेंड्स आप भी स्टॉप सेक्सटॉर्शन विद फैमिली सपोर्ट कैंपेन ज्वाइन कर सकते हैं। यू कैन आल्सो टेक देयर क्विज टू विन देयर गिव अवे, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने दे दिया है। और आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया, तो जल्द जल्द इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं आपसे इसके पार्ट 2 में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल।